दोस्तों, इस ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के साथ हुआ और ऐसा माना जाता है कि 14 अरब वर्ष पहले सारा ब्रह्मांड एक बिंदु में कंप्रेस था। जब ब्रह्मांड का जन्म नहीं हुआ था तब समय, स्थान, पृथ्वी, वायु, प्लैनेट, उपग्रह, सूर्य, तारे जैसी कोई भी वस्तु अस्तित्व में नहीं थी। और लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट के साथ अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और हर 10 से 12 सेकंड में यह धमाका दुगना और बड़ा होता चला गया। और यह ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि इसके प्रभाव से आज पूरा ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। और इस महाविस्फोट के कारण लगभग 3 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों में कन्वर्ट हो गया और इसके साथ ही तारों और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और कालांतर में ग्रह, उपग्रह और पृथ्वी जैसी ग्रहों का जन्म हुआ। दोस्तों, ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जहां पर सब कुछ है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के आकार के बारे में आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। और यह ब्रह्मांड हमेशा से ही इंसानों के लिए एक अनसुलझी पहेलियों की तरह बना रहा। इस ब्रह्मांड में ऐसे कई राज हैं जिसके बारे में आम इंसान को पता नहीं है। दोस्तों, आप भी कभी अंतरिक्ष के बारे में सोचे ही होंगे। ये टिमटिमाते तारे, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी कितना अद्भुत और अनोखा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इस ब्रह्मांड में कई राज छुपे हुए हैं। तो आइए ऐसे कुछ अद्भुत और दिलचस्प तथ्य हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल या खगोल विज्ञान कहा जाता है। स्पेस में जाने के लिए वैज्ञानिक जिस सूट का यूज करते हैं उसे आंतरिक सूट कहते हैं। इस सूट की कीमत लगभग 12 मिलियन डॉलर बताई जाती है। यदि इस अमाउंट को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें तो यह लगभग 75 करोड़ रुपए के बराबर होती है। दोस्तों, अंतरिक्ष में ग्रेविटी न होने के कारण किसी भी इंसान की आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। दोस्तों, 1963 में अमेरिका ने स्पेस में एक हाइड्रोजन बम फेंका था और ऐसा माना जाता है कि उस बम की विस्फोटक क्षमता हिरोशिमा में फेंके गए बम की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में पूरे एक दिन में एक ही बार सूर्यास्त और सूर्य उदय होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में एक दिन में लगभग 15 बार सूर्यास्त और सूर्य उदय होता है। दोस्तों, 1977 में डीप स्पेस से 72 सेकंड के लिए सिग्नल मिला था, लेकिन आज तक उस सिग्नल का पता नहीं लगाया जा सका है कि वह सिग्नल कहां से आया था। दोस्तों, अंतरिक्ष से चीन की सबसे ऊंची दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना नहीं दिखाई देती है, लेकिन चाइना का प्रदूषण पूरी तरह से साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों, पूरी पृथ्वी में जितना पानी सभी महासागरों में होता है उससे लगभग 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी का जलाशय अंतरिक्ष में तैरता रहता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं तो उनका जो यूरिन होता है उसे फेंका नहीं जाता है। वैज्ञानिक उस यूरिन को स्पेशल वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा उसे फिर से स्वच्छ पानी में कन्वर्ट कर देते हैं और
उसे यूज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पानी को पृथ्वी में जब हम गर्म करते हैं किसी भी बर्तन में, तो उस बर्तन में कई सारे बुलबुले दिखाई देते हैं, लेकिन स्पेस में जब पानी को गर्म किया जाता है तो एक ही बुलबुला दिखाई देता है और उस बुलबुले का आकार बड़ा होता है। दोस्तों, पृथ्वी से जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जब इसी आकाश को अंतरिक्ष में जाकर देखा जाता है तो यही आकाश हमें काला दिखाई देता है। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री हमेशा सफेद रंग का स्पेशल सूट पहनते हैं। यह सूट स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण वहां पर हवा के दबाव को मेंटेन रखता है। और यदि मान लीजिए अगर यह सूट फट जाए तो अंतरिक्ष में इंसान की मौत दम घुटने से नहीं होगी, किंतु शरीर के फटने से होगी। दोस्तों, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार रात्रि में जिस तारे को हम जिस जगह पर देख रहे हैं एग्जैक्टली वह तारा उस समय पर उस जगह पर कभी नहीं होते हैं, क्योंकि तारे हमसे लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर होते हैं, जिसके कारण उन तारों का प्रकाश हम तक पहुंचने के लिए हजारों लाखों साल लग जाते हैं। और जब उस तारे को हम देखते हैं तो उस समय वो तारे हमसे और कहीं लाखों गुना दूर जा चुके होते हैं। दोस्तों, आपने कभी न कभी ब्लैक होल के बारे में जरूर सुने होंगे। दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसा घेरा होता है जो कि हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल के अंदर टाइम की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी टाइम स्थिर हो जाता है। और इस ब्लैक होल के अंदर इतना ज्यादा ग्रेविटी होता है कि इसके प्रभाव के कारण प्रकाश भी इसके बाहर नहीं निकल सकता है। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा में इतने ज्यादा तारे हैं कि यदि हम एक मिनट में यदि हजार तारे गिने तो भी अपनी आकाशगंगा के सारे तारे गिनने के लिए हमें 2000 से भी ज्यादा साल लग जाएंगे। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हर एक सेकंड लाखों करोड़ों अरबों विस्फोट होते रहते हैं, लेकिन उस विस्फोट की आवाज हमें नहीं सुनाई देती है, क्योंकि स्पेस में ध्वनि को कैरी करने के लिए हवा नहीं होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं या गैलेक्सियां हैं, और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब से भी ज्यादा तारे होते हैं। तो दोस्तों, आप इस ब्रह्मांड का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज की स्पीड प्रकाश की स्पीड से तेज नहीं जा सकती है। दोस्तों, जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से यह ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, और इस फैलाव के कारण हर गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर होती चली जा रही है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, जिसके कारण हम कभी भी इस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के एंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो कुछ समय के बाद हम अपनी पहली जगह पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि
यह ब्रह्मांड का विस्तार होने के साथ साथ कई जगह से मुड़ता भी है और ब्रह्मांड के उस घुमाव को हम समझ भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी के अलावा इस ब्रह्मांड में ऐसी कई जगह हो सकती है जहां पर जीवन का अस्तित्व हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक एलियन के अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, जो चीज हम प्रेजेंट में देख रहे हैं, असल में हम वो चीज कभी भी प्रेजेंट में नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसे कुछ माइक्रोसेकंड बाद पास्ट में देखते हैं, क्योंकि हम उस चीज को प्रकाश के कारण अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और प्रकाश किसी वस्तु से हमारी आंखों तक पहुंचने में कुछ समय जरूर लेती है। इस तरह हम प्रेजेंट में भी पास्ट को देख रहे हैं। दोस्तों, आपको यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन प्रकाश एक सेकंड में 7.5 बार पृथ्वी के चक्कर लगा सकती है। दोस्तों, स्पेस में कोई भी चीज नीचे गिरने पर वह नीचे कभी नहीं गिरती है। दोस्तों, अगर पृथ्वी को करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रहों से एक एक्सट्रीम HD टेलीस्कोप से देखा जाए तो धरती पर घूमते हुए डायनासोर को देखा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले गुजरा हुआ प्रकाश वर्ष वहां पर पहुंचता रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी से करोड़ों साल पहले गुजरा हुआ प्रकाश वहां पर अब पहुंच रहा होगा। दोस्तों, जैसे पृथ्वी पर हम आग लगाते हैं तो उसकी लपटें हमेशा ऊपर की ओर उठती है, लेकिन यदि हम स्पेस में आग लगाते हैं तो हवा न होने के कारण आग की लपटें चारों दिशाओं में बराबर फैलती है। दोस्तों, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का 76% हिस्सा डार्क एनर्जी और डार्क मेटल जैसे कि ब्लैक होल के फॉर्म में मौजूद है, जिसे अभी तक वो देख नहीं पाए हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में 50 करोड़ से भी ज्यादा ऐसी गैलेक्सी है जिस पर जीवन होने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन ये गैलेक्सी में स्थित प्लैनेट ये हमसे इतनी दूर हैं कि हम इन प्लैनेट में कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सी, प्लैनेट और स्टार है वह इस ब्रह्मांड का केवल 4% है, लेकिन बाकी का जो 96% है वह किस चीज से बना है उसे आज के आधुनिक वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा सके हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहते हैं, फिर भी एग्जैक्टली 96% क्या है हमारे यूनिवर्स का आज तक हमें नहीं पता है। दोस्तों, सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें जो हम देखते हैं, वो प्रकाश की किरणें असल में 30,000 साल पुरानी होती है। वैसे तो सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी की सतह पर आने के लिए सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन उस प्रकाश को सूरज के कोर से सतह तक पहुंचने के लिए लगभग 30,000 साल लग जाते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रह्मांड में हर सेकंड में लगभग 4800 से भी ज्यादा नए तारे पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप जो रात के समय में जिन तारे को देख रहे हैं वह आपके अतीत के तारे को देख रहे हैं, मतलब कि पास्ट को देख रहे हैं, क्योंकि जिस समय आप उस तारे को देख रहे हैं लेकिन जो रोशनी आपके आंखों में पड़ती है उस रोशनी को उस तारों से
और आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबे समय तक ट्रेवल करना होता है। यानी कि वर्तमान में आप जिस तारे को देख रहे हो एग्जैक्टली वह अतीत का तारा कैसा दिखता था आप उस तारे को देख रहे हो, क्योंकि वह तारा हमसे लगभग 300 से 400 लाइट ईयर दूर है। यानी कि जिस तारे को हम वर्तमान में देख रहे हैं वह तारे की पोजीशन 300-400 साल पहले की हम देख रहे हैं, और उस तारे की वर्तमान पोजीशन को हम पृथ्वी पर से 300-400 साल बाद देख पाएंगे। दोस्तों, यह ब्रह्मांड कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में प्रमाणिक और कोई ठोस तथ्य हमारे पास नहीं है। जो भी है वह थ्योरी के आधार पर है, और सबसे स्थापित थ्योरी बिग बैंग को ब्रह्मांड की शुरुआती चरण मानी जाती है। दोस्तों, डार्क मैटर दरअसल में इतना ज्यादा ग्रेविटी पैदा करता है कि पूरी आकाशगंगा के तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं, और कोई भी प्लैनेट, तारा, उपग्रह इधर उधर नहीं बिखरते। दोस्तों, यह डार्क मैटर न तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और न ही उसे रिफ्लेक्ट करता है, और यह डार्क एनर्जी अणु परमाणुओं से भी नहीं बना है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को आज तक कुछ भी नहीं पता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि डार्क मैटर पूरे ब्रह्मांड को बांधने का काम करता है। इसके साथ ही डार्क एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को लगातार विस्तार करती रहती है, जिसके द्वारा हर एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी है, और हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा में है। दोस्तों, ज्यादातर आकाश गंगाओं का आकार अंडाकार होता है, लेकिन कुछ आकाश गंगाओं का आकार शक्ल में लगातार बदलती रहती है। जैसे कि हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी का आकार अंडाकार में है। दोस्तों, वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अंतरिक्ष में वेल्डिंग के धुएं जैसी गंध आती है। दोस्तों, ज्यादातर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाकर लगभग 2 इंच लंबे हो जाते हैं, जिसका रीजन यह है कि पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी हल्की सी झुकी हुई होती है, लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी ना होने की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी टोटल स्ट्रेट होती है। दोस्तों, यह सुनकर आपको काफी आश्चर्य सा लगेगा, लेकिन अंतरिक्ष में पानी का विशाल भंडार है जो तैरती हुई अवस्था में रहता है, और यह पानी का भंडार जो धरती के सब समुद्र के पानी के भंडार से लाखों गुना ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में टॉयलेट के पानी को फिल्टर करके पीने योग्य बनाया जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल के मैदान के जितना बड़ा है। दोस्तों, सौर मंडल में शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह के चारों ओर बना घेरा बर्फ, धूल और पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, आंतरिक से सूर्य को देखने पर सफेद दिखाई देता है। दोस्तों, कॉकरोच अंतरिक्ष में पृथ्वी की तुलना में तेजी से बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष जो यान में रहते हैं उन सभी लोगों को डेली 2 घंटे व्यायाम करना ही होता है। दोस्तों, अमेरिका में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से ही चुनाव में वोट डाल सकते हैं। दोस्तों, 10 अगस्त 2015 को नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में उगाया हुआ खाना खाया था। दोस्तों, रशिया के वैज्ञानिक खुद की रक्षा के लिए
अंतरिक्ष में गन लेकर जाते हैं। दोस्तों, स्पेस में चलने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ के नाखून अपने आप छोटे हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। एग्जैक्टली यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और गैलेक्सी को हिंदी भाषा में आकाशगंगा कहते हैं। हमारी गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि हमारी गैलेक्सी से लगभग 2 गुने बड़ी है। दोस्तों, द लार्ज मेगालिनिक क्लाउड नाम की गैलेक्सी ब्रह्मांड की सबसे चमत्कार गैलेक्सी है। दोस्तों, हमारे सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी से लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष दूर एक अल्कोहा से बना हुआ बादल है। यह बादल इतना बड़ा है कि इसमें से 400 अरब बियर की बोतलें भरी जा सकती हैं। दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह हमारा सूर्य भी सौरमंडल के सारे ग्रहों को लेकर हमारी आकाशगंगा के चक्कर लगाती है। सूर्य को आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में 22.5 करोड़ साल जितना समय लगता है। अभी आकाशगंगा के जिस स्थान पर हमारा सूर्य है, उस स्थान पर पिछली बार डायनासोर के समय पर था। दोस्तों, हर आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में भी एक ऐसा है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 40 लाख गुना ज्यादा है। 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 नाम के एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था। इसने साल 2017 में हमारे सौरमंडल को क्रॉस कर लिया था। इसके साथ ही यह इंसानों से सबसे दूर जाने वाला यान बन चुका है। दोस्तों, ब्रह्मांड में ग्रहों की बीच की दूरी उनकी तरफ रेडियो सिग्नल भेजकर तय की जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपके पास ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य हैं जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह शेयर करें। और यदि इस वीडियो संबंधित अगर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।